जम्मू कश्मीर में जिस तरह का त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, तो मैं डोगरी च आखा मिसनी गना। अज मैं मिसनी गना तुहाडे सामने लियांग, उहदा लास्ट विच नाम लैंग। इस करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी पूरी सुनियो। और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना जम्मू के डोगरिया का, कश्मीर के कश्मीरिया का, कि वह दोगले की गल्ला विच नहीं आई। और सारे को जरूरी मुद्दा जरा जिसे दबाने की कोशिश की गई, वह की गई स्मार्ट मीटर के मुद्दे की दबाने की कोशिश। उस मिसनी गना का मैं नाम लैंग लास्ट विच। और मैं तुम्हें आखना चाहना, सब तो पहले मैं थोड़े मीडिया के माध्यम कन्ने श्याम लाल जी की पूछना चाहना, श्याम लाल चौधरी साहब की, श्याम लाल शर्मा साहब की, जेडे एक्स मंत्री रहे दे, जेडे जम्मू की आवाज होंगे है, जेडे डोगरिया की आवाज होंगे है, मैं उन्हें ही पूछना चाहना, तुस कैली भाजपा के तोता बनी हो, तुस कैली सरकार के तोता बनी हो, तुस प्रेस वार्ता रखी चार पांच दिन पहले, जनता की बेवकूफ बनाया, तुसे आख्या श्याम लाल जी थोड़े वर्ड मैं थोड़ा गिनाना चाहना, तुसे बिल आज तक रुके दे 50% बिल जो माफ हो जाएंगे, साड़ी एल जी साहब कन्ने गल हुई और प्रीपेड सिस्टम बंद हो जा। और तीसरा कि जो डिजिटल मीटर है, अगर इन्हें 25 नले हुई जेडे जेडे एल जी साहब को गए हे, चुल्लू पर पानी डुबी बनना चाहिए। वह क्यों बनना चाहिए कि तुम जनता के नुमाइंदे बनिए गए हे एल जी साहब को, और एक बुक सैकटरी ने भी नहीं रखी, और सैकटरी ने साफ साफ शब्द में आखी उड़िया कि असं स्मार्ट मीटर भी लाने, और जिते जिते स्मार्ट मीटर लगन गए उत्थे उत्थे प्रीपेड सिस्टम भी स्टार्ट हो। यह औकात है इन लोगों की, यह औकात है, यह जनता के नुमाइंदे बन गए, एक सैकटरी नहीं बनता इन्हें। और मैं अज गल करना चाहना प्रॉपर्टी टैक्स उपर, स्मार्ट मीटर उपर और टोल प्लाजा उपर। टोल प्लाजा का ध्यान करने सुनियो, लास्ट विच वीडियो जरूर सुनियो, मैं मिसनी गना का भी नाम लैंग लेकिन वीडियो जरूर सुनियो। सब तो पहले मैं जनता की आखना चाहना जम्मू के डोगरियो, बड़ा बड़ा शुक्रिया तुहाड़ा कि तुस इन लोगों की गल्लें विच नहीं आए, तुसें स्मार्ट मीटर का मुद्दा नहीं दबा दिता। अमित कपूर ने जानी पुरू अपनी भैनों माताएं की नाल लेइए मुद्दा चुकया, पूरे जम्मू कश्मीर मुद्दा जागी गया। और तुसे अगर टोल प्लाजा का नाम लिया, नाल स्मार्ट मीटर का नाम भी लिया, और तुहाड़े मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं जनता की आखना चाहना, जम्मू के डोगरे आखना चाहना, टोल कश्मीर के कश्मीर आखना चाहना, एक अगर साढ़े अगे कोई लीडर नहीं आता, नहीं पोलीटिकल पार्टियां आदि, नहीं कोई सोशल एक्टिविस्ट आता, असें आपे मिलिए लड़ना, असें मिलिए लड़ना। मैं थोड़े दरवाजे घर घर आइए खनकाल, थोड़े दरवाजे के बच्चे आओ, तुसें मेरे कहने निकलिए प्रोटेस्ट स्मार्ट मीटर से स्टार्ट करी उड़ने। असें नहीं दिखना कि श्याम चौधरी झूठ बोला दा या फलाना झूठ बोला दा। स्मार्ट मीटर का मुद्दा और गरीबी का मुद्दा है, मध्यम वर्ग का मुद्दा है, लेकिन उसी दबाने की कोशिश की गई अमीर के मुद्दे के लिए। हूँ मैं गल करना चाहना टोल प्लाजा उपर। देखो टोल प्लाजा का मुद्दा क्या है, कल मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक बाइट सुना रहा, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक बाइट के विच उन्हें आख्या कि तुस रोड ठीक करो तो टोल ले लो। वो भाई साहब जनता ही कहली बेवकूफ बना लो, फिर अगर रोड ठीक करना टोल ले लेना, यानी कि जिहड़ी NHAI की गाइडलाइन है कि 60 किलोमीटर पर टोल होना नहीं चाहिए, तो तुस आखा दे कि रोड ठीक करो तो टोल ले लो, यानी कि जनता की 15 दिन टोल बंद करो तो रोड ले लो, टोल ले लो, तो जानी कि तुम जनता की 15 दिन टोल बंद कराइए, बेवकूफ बना दे अपनी जित 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 करिए, जिंदाबाद जिंदाबाद डोगरे की बेवकूफ बनाइए, स्मार्ट मीटर के मुद्दे को पिछे ढाना चाहते हैं। अगर टोल का मुद्दा जिन्हें भी चुकना है, और टोल का मुद्दा पूरा चुकोया जाए, क्योंकि रविंदर रैना जी ने भी यह गल आखी ही कि UT के टोल नहीं होंदा। जब रविंदर रैना जी ने भी यह गल आखी कि UT के टोल नहीं होंदा, तो फिर जम्मू कश्मीर टोल कहली एक सरोर टोल प्लाजा का मुद्दा चुकोया गया, क्यों लखनपुर का मुद्दा नहीं चुकोया, क्यों सरोर वन टोल का मुद्दा नहीं चुकोया। जम्मू कश्मीर से जिन्हें भी टोल है फिर तो होने नहीं चाहिए, सारा UT है जिंदर स्टेट नहीं मिलती। अगर टोल का मुद्दा चुकना तो टोल बंद करने का मुद्दा चुको, कि टोल ठंडी खुई शिफ्ट करने का मुद्दा मत चुको, या टोल रिंग रोड मुद्दा मत चुको, स्मार्ट मीटर के मुद्दे की दबाने की कोशिश मत करे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सारी दुनिया भी पता चली है, कल एक्सपोज हुई है, कल ये लोग एक्सपोज हुई है कि BJP ने मुद्दा चुकाया हा, और चुकाया कुने मिसनी गना का नाम है लास्ट विच लैन, उस मिसनी गना का मैं लास्ट विच लैन। वह मिसनी गना इन्नी तेज है, और जम्मू के डोगरे की बेवकूफ भी बनाएगी, साढ़े भराएं की अंदर कराइए, साढ़े भराएं कन्ने सियासत भी खेली गई, साढ़े भराएं कन्ने सियासत भी हुई, साढ़े भरा 5 दिन अंदर भी रहे, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगे करिए मुद्दा दवाई भी गई, खत्म भी कराई गई।
असल मायने च मुद्दा की है टोल प्लाजा इत्थों खत्म करने ना कि 15 दिन से बंद कराने। अगर टोल प्लाजा का कोई भी मुद्दा चुकना चाहता उसी बंद कराने का मुद्दा चुको। एक स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो गरीबे का मुद्दा है जिहड़ा अमीर आदमी कभी नहीं चुकेगा, वह चुकेगा तो मध्यम वर्ग चुकेगा या गरीब आदमी चुकेगा। इस करिए स्मार्ट मीटर का मुद्दा असें दबण नहीं देना और स्मार्ट मीटर का मुद्दे हर जगह प्रोटेस्ट रखो। अगर सियासी पार्टियां ठंडी पई है कोई गल नहीं, अस जनता नहीं ठंडी पोगे, अस डोगरे ठंडे होने वाले नहीं है, साड़ी माता भैन ठंडी होने वाली नहीं है। अस मुद्दा चुकी रखे, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा चुको जी 1 जुलाई का स्टार्ट भी करी बैठे और तुस लोग अजे बिल नहीं आया, आने वाले कल तुम्हें बिल भी आई जाना, मत आयो इन गलों के। हूँ मैं आखना चाहना मैं मिसनी गनाह का नाम लैन लगा, वह मिसनी गनाह कौन है जेड़ा जम्मू की, दिखो अस एल जी साहब की गलत आखा रहे, अस पूरा जम्मू कश्मीर एल जी साहब की गलत आखा रहा। मैं आखा रहा एल जी साहब गलत नहीं है, वह कैली गलत नहीं है ध्यान कने सुनो, वह ध्यान कने सुनो कैली गलत नहीं है भाई। एल जी साहब त्रै एल जी चेंज होइए, जदों की साड़ी यूटी लगी थी त्रै एल जी चेंज होइए, 3 LG इस एल जी ने भी चली जाना, मनोज सिन्हा साहब ने भी चली जाना। मनोज सिन्हा साहब ने अपना फर्ज निभाया कि यूपी के लोगों की 5 से 10 लाख लोग इतने बसाए, उन्हें किराए पर क्वार्टर दिते, उन्हें अपने यूपी वाले कन्ने ईमानदारी दसी। लेकिन साढ़े जतिंदर सिंह जी जिंदा कोई ना ही नहीं लैगा, जिंदा कोई ना ही नहीं लैगा जम्मू कश्मीर के जम्मू का साड़ा एक एम पी जम्मू कश्मीर का एम पी जिहड़ा पी एम ओ उस बैठे दा मिसनी गनाह बनी है। मैं मिसनी गनाह ना भी डर नहीं लगता थोड़े को, झूठे पर्चे लाओ या जो मर्जी करो, मिसनी गनाह का कोई नाम नहीं लैदा। जतिंदर सिंह साहब जेडे एम पी जेडे पी एम ओ उस बैठे थे, क्या उन्हें नहीं लगा कि जम्मू का डोगरा जरा अज रोड़े उपर है, मेरी माता भैन वह सड़के उपर है, मेरे कश्मीर की भैन वह सड़के उपर है। क्या जतिंदर सिंह की एक भी वाइट आई है, ये आई एक भी वाइट? अस कुने ही गलत आखा रहे हैं, अस एल जी साहब की गलत आखा रहे हैं। लेकिन एल जी साहब जम्मू कश्मीर च त्रै चेंज हो लियाने वाला कौन है? तीनों एल जी चेंज कुने कराए, कुने लिया, यह समझने की जरूरत है। पीएमओ कौन बैठे थे? एल जी साहब, साढ़े एल जी साहब जतिंदर सिंह और बैठे थे, तो जतिंदर सिंह एल जी चेंज कराते एल जी लिया। तो इस करिए अगर जम्मू कश्मीर के स्मार्ट मीटर लगते हिंदी वह मैं तुम्हें सुनाना चाहना सारे तो बड़ा हथ कुछ जेड़ा पीएमओ उस बैठे दा मिसनी गनाह। अगर वह मिसनी गनाह डोगरियां दा सच्चा होंदा, अगर डोगरियां दा सच्चा होंदा, अगर डोगरे को इंदी गल्ले विच नहीं आए, कल उन्हें क्लीयर कर लिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कि यह भाजपा का मुद्दा हा। मैं चाहना कि जम्मू कश्मीर की जनता वोट बनी जाए तो दोबारा ले लेना, फिर आना जिंदाबाद जिंदाबाद जीत गए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिंदाबाद फलाना जिंदाबाद, यह सब नहीं चलना। बड़ी बड़ी डोगरे बेवकूफ बनी है, बड़ी बड़ी तुम्हें बनाई उड़िया। हूं नहीं बनता जम्मू का डोगरा बेवकूफ, हूं नहीं बनता कश्मीर का कश्मीरी बेवकूफ, एक गल मेरी याद रखियो। और मैं हिंदू मुसलमान सिख कि मिसनी गनाह साहब जम्मू के डोगरे वाला हाल चाल पूछ लो, नहीं तो दोबारा 200 रुपया फीस लिए डॉक्टरी करनी पड़नी है। यह पीएमओ ज्यादा देर नहीं चलना, यह ज्यादा देर एमपी नहीं चलना। जम्मू के डोगरियां का मुद्दा चुको, स्मार्ट मीटर ढाओ, टोल प्लाजा फॉरएवर ढाओ।